देखिए, नवरात्रि के पावन समय की शुरुआत हो चुकी है और नवरात्रि का हर दिन अपने आप में बड़ा मूल्यवान है, बड़ा महत्वपूर्ण है। और नवरात्रि में अलग अलग छोटी छोटी वस्तुओं के प्रयोग से आपको विशेष लाभ हो सकता है। वो वस्तुएं कौन सी हैं? देखिए, नवरात्रि का हर दिन मनोकामना पूर्ण करने का दिन माना जाता है। ऐसे में अगर हम विशेष वस्तुओं का प्रयोग करें तो मनोकामना निश्चित रूप से पूरी हो सकती है। नवरात्रि में कुछ विशेष वस्तुओं के प्रयोग से किसी भी तरह की मनोकामना को पूरा किया जा सकता है। और ये वस्तुएं हैं लौंग, सुपारी, हल्दी, पान का पत्ता और नारियल। अलग अलग वस्तु की अलग अलग महिमा है और अलग अलग प्रयोग करने का तरीका है। तो आप सबसे पहले इन वस्तुओं का महत्व जानिएगा और इसके बाद आप ये जानेंगे कि नवरात्रि में इसका प्रयोग कैसे किया जाए। ये तमाम वस्तुएं बहुत साधारण तरीके से उपलब्ध हो जाती हैं, लेकिन इनका विशेष प्रयोग होता है जो आपकी मनोकामनाओं को पूरा कर सकता है। देखिए, अगर लौंग की बात करें तो लौंग एक तांत्रिक मसाला है तो मसाला, लेकिन तंत्र में विशेष पूजा होती है इसकी। इसीलिए लौंग एक बहुत चमत्कारी मसाला है और देवी की पूजा में इसका खूब प्रयोग होता है। लौंग के प्रयोग से विशेष मनोकामना को आसानी से पूरा किया जा सकता है। कैसे करेंगे? जितनी उम्र आपकी पूरी हो चुकी है, अपनी उम्र के बराबर लौंग ले लीजिए। इसे काले धागे में बांध करके माला बना लीजिए और इसे नवरात्रि में किसी भी दिन देवी को अर्पित करिए, उनके गले में पहना दीजिए और इसके बाद अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करिए। जब तक आपकी मनोकामना पूरी नहीं होती, 6 महीने तक उसके अंदर ये माला वहीं पर गले में उनके पहनाए रखिए और जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो इस माला को जल में प्रवाहित कर दें। लौंग का एक विशेष प्रयोग ये भी है कि नवरात्रि में अगर आप देवी को चांदी की 2 लौंग अर्पित करें तो तंत्र मंत्र की बाधा कट जाती है। लाल कपड़े में रख करके 2 चांदी की लौंग नवरात्रि में देवी को अर्पित करें, बाद में इस कपड़े की पोटली बना करके अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका दें। ऐसा करने से तंत्र मंत्र की तमाम बाधाएं दूर हो जाएंगी। लौंग की महिमा क्या है ये आपने समझ लिया। अब आपको बताते हैं सुपारी की महिमा के बारे में और इसके चमत्कारी प्रयोग के बारे में। सुपारी पूजा में अर्पित की जाने वाली एक विशेष वस्तु है और सुपारी के विशेष प्रयोग से विवाह का वरदान पाया जा सकता है। एक संपूर्ण साबुत सुपारी ले लें और ये जितनी बड़ी हो उतना ही अच्छा होगा। नवरात्रि में किसी भी दिन ले लें, इसके चारों तरफ सिंदूर लगा लें। इसके बाद उस सिंदूर लगी हुई सुपारी को पीले कपड़े में रख करके माता को, देवी को अर्पित कर दें। उनसे शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। नवरात्रि भर इस सुपारी को उस कपड़े में पूजा स्थान पर ही रहने दें। नवरात्रि के बाद कपड़े के साथ उस सुपारी को कपड़े में बांध करके अपने बेडरूम में रख दें।
और जब आपका विवाह हो जाए, विवाह के उपरांत भी उस सुपारी को अपने पास रखे रहें। विवाह हो जाने के बाद इस सुपारी के प्रयोग से आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। आपको बताया लौंग के बारे में, सुपारी के बारे में, अब जानिए हल्दी के बारे में। देखिए, हल्दी एक अद्भुत, रहस्यमयी और तांत्रिक मसाला है। इसका प्रयोग अगर आप करते हैं हल्दी का, तो इससे आपको स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी होती है और आपकी सुरक्षा भी होती है। नवरात्रि में देवी को दो गांठें हल्दी की किसी भी दिन अर्पित करिएगा और इसके बाद माता के सामने श्री सूक्तम का पाठ करिएगा और देवी से धन की समस्या को दूर करने की प्रार्थना करिएगा। नवरात्रि तक ये दोनों हल्दी की गांठें देवी के पास रहने दें। नवरात्रि के बाद इन दोनों हल्दी की गांठों को लाल वस्त्र में लपेट करके अपने धन स्थान पर रख दीजिएगा। हर नवरात्रि में पुरानी हल्दी को जल प्रवाहित कर देंगे और नई गांठ उसकी जगह पर रख देंगे। अगर आप ऐसा करते रहें तो सामान्यतः आप जीवन में देखेंगे कि आपको धन का अभाव नहीं होगा। खास तौर से जिनका पैसा बचता नहीं है, जरूरत के वक्त पैसा नहीं रहता है, उनके लिए हल्दी की गांठों का प्रयोग बहुत ही ज्यादा बेहतर होता है। पान के पत्ते का भी पूजा उपासना में विशेष प्रयोग होता है और खास तौर से देवी की उपासना में पान का पत्ता बड़ी विशेष भूमिका निभाता है। देखिए, पान का पत्ता पूजा में बहुतायत में बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। पान का पत्ता एक औषधि भी है, एक दवाई भी है और इसके चमत्कारी प्रयोग भी हैं। नवरात्रि में किसी भी दिन आप 27 पान के पत्ते ले लें, इनको लाल धागे में बांध करके इनकी माला बना लें और इसको नवरात्रि में किसी भी रात को देवी के गले में पहना दें, देवी को अर्पित कर दें। इसके बाद शीघ्र रोजगार प्राप्ति की प्रार्थना करिएगा। रोजगार की व्यवस्था हो जाने पर इस माला को जल में प्रवाहित कर देंगे। यानी अगर आपके रोजगार से संबंधित कोई दिक्कत है तो पान के पत्तों की माला से उस दिक्कत को दूर किया जा सकता है। सामान्य जीवन में हर शुक्रवार को पान के पत्ते पर रख करके गुलाब की पंखुड़ियां अगर आप माता लक्ष्मी को अर्पित करें हर शुक्रवार को, तो इससे आपको दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। यानी पान के पत्ते का सही प्रयोग करने से एक तो रोजगार की व्यवस्था होगी और दूसरे पान के पत्ते का सही प्रयोग करके आप अपनी धन संबंधी बाधाओं को दूर कर सकते हैं। देवी की पूजा में नारियल तोड़ना या नारियल अर्पित करना एक विशेष परंपरा है जो लगभग सब जगह पर पाई जाती है। नारियल की महिमा क्या है? नारियल का फल हर पूजा उपासना में संपन्नता के लिए और समृद्धि के लिए प्रयोग किया जाता है। देवी की पूजा बिना नारियल के संपूर्ण नहीं हो सकती, पूरी नहीं हो सकती। और नवरात्रि में आप नारियल के प्रयोग से अपनी खराब ग्रह दशाओं से, खराब ग्रहों से छुटकारा
पा सकते हैं। क्या करेंगे? नवरात्रि में किसी भी रात को एक पानी वाला नारियल जो देवी के सामने तोड़ते हैं, जिसमें पानी भी है और गिरी भी है, वो वाला नारियल ले लें, इसको अपनी गोद में रख करके देवी के सामने बैठें और इसके बाद एक विशेष मंत्र का एक माला, तीन माला, पांच माला, 11 माला जप करें, जितना आप आसानी से कर सकें। मंत्र देखिए स्क्रीन पर, मंत्र है शांति कर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्न प्रदर्शने। शांति कर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्न प्रदर्शने, ग्रह पीड़ासु चोग्रासु महात्म्य शृणुयान मम, ग्रह पीड़ासु चोग्रासु महात्म्य शृणुयान मम। ये दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का 16वां श्लोक है। तो जब आप नारियल गोद में रख करके इस मंत्र का यथाशक्ति जप करेंगे, तो इसके बाद देवी से प्रार्थना करेंगे कि आपके ग्रह की बाधाएं दूर हो जाएं, और अगले दिन सुबह सुबह इस नारियल को बहते हुए जल में प्रवाहित कर देंगे। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो नारियल के प्रयोग से आपकी बीमारियां भी मिटेंगी और आपकी खराब ग्रह बाधाएं भी दूर होंगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।